अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फ्राई दाल माश बना रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, जैसी आप बाहर जाकर खाते हैं वही टेस्ट वही कलर आज हम घर पर बनाएंगे, वो भी बहुत इजी और झटपट। फ्राई दाल माश की रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। बिल्कुल होटल स्टाइल दाल माश बनाना शुरू करते हैं। दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप घी का लेंगे या ऑयल का, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक के पेस्ट को हम एक मिनट फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने एक मिनट फ्राई कर लिया है। दो अदद प्याज लेंगे, प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। एक चम्मच भर के हम जीरा ऐड करेंगे। तीन अदद हमने टमाटर लिए हैं, टमाटर का भी हमने पेस्ट बना लिया है। टमाटर डालने के बाद 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए, अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे, कसूरी मेथी चाय का एक चम्मच, नमक चाय का एक चम्मच या हस्बे जरूरत, धनिया पाउडर चाय का एक चम्मच, काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुरख लाल मिर्च चाय का 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच। अब ये सारे स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। मसाले डालने के बाद अच्छे तरीके से हम मसाले को भून लेंगे। मसाले को हम जितना भूनेंगे इतने ही जबरदस्त और टेस्टी दाल माश बनेगी। अगर आपका मसाला थोड़ा सा जल रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करके मसाले को भून सकते हैं। मसाले को हमने 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है, ये देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हमने ली थी 1/2 किलो दाल माश, जिसको हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब हम दाल को ऐड करेंगे। एक गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि दाल अच्छे से गल जाए। ऊपर से कवर कर देंगे और दाल माश को 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। धीमी आंच को दाल को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, देखें एकदम जबरदस्त गल चुकी है। हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करेंगे। जूलियन कटिंग, थोड़ी सी अदरक भी ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और 5 मिनट ऊपर से कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। आज की बहुत ही मजेदार दाल माश, बहुत ही कलरफुल, एकदम खिली खिली बनकर तैयार है। इसको हमने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाया है। अगर ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और काइंडली आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
इसी तरह न्यू रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।